देखिए, सीएम मॉनिटर करें, डीजी 14 टीम बना दे, लेकिन घटना तो हो चुकी। एक पत्नी जिसको पति के सामने गैंगरेप किया गया, एक नहीं पांच लोगों ने विभत्सा से गैंगरेप किया, वो बाइक पे अपने पति के साथ जा रही थी, बाइक को रोक के किया गया। साफ दिखाता है कि राजस्थान में ये जो नई सरकार आई है, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पा रही है। सोर्सेज तो कहते हैं कि राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम में घमासान युद्ध चल रहा है, जिसका फायदा पुलिस और क्रिमिनल्स दोनों उठा रहे हैं। नहीं तो राजस्थान जैसे स्टेट में इस तरह की घटना होना शर्मनाक है, क्योंकि आप दिल्ली के पास हैं, आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, सारी पुलिस है, लेकिन उसके बाद होता है। और दलित महिला के साथ हुआ है ये घटना, इसमें एफआईआर हो चुकी है, 376D गैंगरेप का चार्ज लगाया गया है, लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक रेपिस्ट पकड़े नहीं गए हैं। जबकि आज केवाईसी का जमाना है, साइबर का जमाना है, उसके बाद अगर पुलिस 14 टीम लगाने के बाद नहीं पकड़ पा रही है, तो इसका मतलब कि उनका इंटेलिजेंस फेलियर है और डेथ पेनल्टी जैसे पनिशमेंट रेप के लिए आ गए हैं। और उसके बाद अगर गैंग रेप हो रहा है तो कानून का भी कोई खौफ नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है। साफ दिखाता है कि करप्शन और पुलिस का जो काम है, दोनों खराब है।